अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी पिछले दो दिनों से हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारी यूनियन के लोगों का कहना है कि विगत लंबे समय से उनकी मांगें लंबित पड़ी हैं, जिस पर केंद्र सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बैंक कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और हमारी मांगें गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हम लोगों को बार बार आईबीए बुला के जो है लॉलीपॉप पकड़ाता है और सम्मान से समझौता नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक में, दो दिन की स्ट्राइक में है। आप लोगों की मांगे पिछले कुछ सालों से मांगे नहीं जा रही है। हाँ, क्या करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों ने मार्च में 3 दिन की स्ट्राइक का कॉल हमारी फेडरेशन ने दिया है और उसके बाद भी पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो इंडेफिनेट स्ट्राइक में 1 अप्रैल से चले जाएंगे। अगर सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागी तो अगले महीने 11 और 12 और 13 मार्च को 3 दिवसीय हड़ताल होगी। अगर फिर भी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर हम 1 अप्रैल 2020 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसमें पार्ट लिया जाएगा और जोर विरोध किया जाएगा इस बात।